जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो। हर जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो। आगे 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 बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। हिम्मत हारे मत सब गाएंगे। जीवन में कुछ करना है तो जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो। आगे 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 बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। हिम्मत हारे मत बैठो। हाथ बोलो आनंद। चलने वाला मंजिल पाता, चलने वाला मंजिल पाता, बैठा पीछे रहता है। अज चलने वाला मंजिल पाता, बैठा पीछे रहता है। चले सोच रे। चलने वाला मंजिल पाता, बैठा पीछे रहता है। चलने वाला मंजिल पाता, बैठा पीछे रहता है। गहरा पानी सड़ने लगता, गहरा पानी सड़ने लगता, बहता निर्मल होता है। अजी गहरा पानी सड़ने लगता, बहता निर्मल होता है। पाँव दिए चलने के खातिर, पाँव दिए चलने के खातिर, पाँव पसारे मत बैठो। बोलो पाँव दिए चलने के खातिर, पाँव पसारे मत बैठो। तो आगे 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 बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। हिम्मत हारे मत बैठो। तेज दौड़ने वाला खरहा, खरगोश और कछुए की कहानी याद कर लो। अपनी किस्मत के तालों को खोलने के लिए शुरुआत करो। खरगोश और कछुए की कहानी, क्या ऐसे कारण रहे कि खरगोश हार गया और कछुआ बाजी मार गया। तेज दौड़ने वाला खरहा दोपहर चलकर बैठ गया। बोल तेज दौड़ने वाला खरहा दोपहर चलकर बैठ गया। और धीरे 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 चलकर कछुआ देखो बाजी मार गया। आज तेज दौड़ने वाला खरहा सब गाएंगे। अपने अपने हौसलों को जगाइए, अपने अपने आत्मविश्वास को जगाइए और बचपन में पढ़ी इस कहानी से जीवन की प्रेरणा लीजिए। तेज दौड़ने वाला खरहा दोपहर चलकर बैठ गया। बोलो तेज दौड़ने वाला खरहा दोपहर चलकर बैठ गया। धीरे धीरे चलकर कछुआ, धीरे धीरे चलकर कछुआ देखो बाजी मार गया। चलो कदम से कदम मिलाकर, चलो कदम से कदम मिलाकर दूर किनारे मत बैठो। चलो कदम से कदम मिलाकर दूर किनारे मत बैठो। आगे बोलो आगे, अज आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। हिम्मत हारे मत बैठो। हाथ बोलो आनंद ले। धरती चलती तारे चलते, सब गौतम कौन कौन चलती है दुनिया में।
धरती चलती तारे चलते चांद रात भर चलता है। देखो धरती चलती तारे चलते चांद रात भर चलता है। किरणों का उपहार बांटने किरणों का उपहार बांटने सूरज रोज निकलता है। अज किरणों का उपहार बांटने सूरज रोज निकलता है। हवा चले तो महक बिखेरे हवा चले तो महक बिखेरे हवा चले तो महक बिखेरे तुम भी प्यारे मत बैठो। अच्छी हवा चले तो महक बिखेरे तुम भी प्यारे मत बैठो। तो आगे बोलो आगे बोलो आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो हिम्मत हारे मत बैठो। जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो। जीवन में कुछ करना है तो जीवन में कुछ करना है तो जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो। आगे आगे बोलो आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बोलो प्यार हिम्मत हारे मत बैठो हिम्मत हारे मत बैठो। चलो कदम से कदम मिलाकर चलो कदम से कदम मिलाकर चलो कदम से कदम मिलाकर दूर किनारे मत बैठो। आगे आगे बोलो आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो हिम्मत हारे मत बैठो हिम्मत हारे मत बैठो हिम्मत हारे हिम्मत हारे। महान दार्शनिक सुकरात के पास एक युवक पहुंचा अपने मन की समस्या का समाधान पाने के लिए। सुकरात बीच नदी में स्नान कर रहे थे। युवक वहां पहुंचा और उसने किनारे से आवाज दी कि सुकरात प्रभु मैं अपने मन की समस्या का समाधान पाने के लिए आपके पास आया हूं। मेरे मन में एक प्रश्न है कृपया जवाब देने की कृपा करें। आप कब किनारे आएंगे? सुकरात ने बीच नदी में खड़े हुए ही युवक से कहा कि मुझे आने में समय लग सकता है। तुम बोलो तुम्हारा क्या प्रश्न है मैं यहीं से उसका समाधान कर देता हूं। युवक ने कहा कि प्रभु मैं आपसे अपने मन की इस समस्या का समाधान पाने के लिए आया हूं कि अगर दुनिया में किसी भी आदमी को अपने बंद किस्मत के ताले खोलने हैं अगर किसी भी इंसान को इस धरती पर सफलता का मार्ग हासिल करना है तो मैं केवल इतना सा राज आपसे जानने आया हूं कि जिंदगी में सफल होने का राज क्या है। जिंदगी में किसी भी इंसान के सफल होने का राज क्या है? सुकरात ने कुछ पल सोचा और सोचने के बाद युवक को इशारा किया कि तुम मेरे पास यहां नदी में आ जाओ तुम मेरे करीब आ जाओ मैं तुम्हें यहां पर जवाब देता हूं। युवक ने कहा कि प्रभु मेरे कपड़े भीग जाएंगे। सुकरात ने कहा जो आदमी कपड़ों की चिंता किया करता है वो जिंदगी में सफलताओं को हासिल नहीं कर पाता है। अगर तुम्हें प्रश्न का समाधान पाना है तो उतर जा पानी में आ जा मेरे करीब। युवक के भीतर भी जोश जगा वो आया सुकरात के पास। गर्दन तक पानी था वहां पहुंचा और पहुंचने के बाद उसने कहा कि जरा अब मुझे बताएं कि जिंदगी में किसी भी इंसान की सफलता का राज क्या होता है। सुकरात ने युवक को देखा युवक के प्रश्न पर मनन किया और अचानक पता नहीं क्या सूझा सुकरात ने झट से उसके सिर के बालों को पकड़ा उसके सिर को पकड़ा कंधे पर दबाव डाला गर्दन पर दबाव डाला और जोर से धक्का मारकर उसको पानी में डुबो दिया। न केवल पानी में डुबो दिया अपितु उसके ऊपर खुद भी बैठ गए। भारी भरकम शरीर के आदमी सुकरात भारी भरकम शरीर के आदमी और वो पतला सा युवक आया था प्रश्न की समाधान पाने के लिए और मौत के मुंह में ही जाने लगा। युवक को उन्होंने पानी में जोर से दबाया नीचे डाला और ऊपर जाकर खुद बैठ गए। अब वो युवक भीतर कर रहा है बाहर निकलने के लिए पर भारी भरकम शरीर के आदमी सुकरात और नीचे दबा हुआ युवक कोशिश करने लगा पर बच न पाया। उसने बहुत हाथ से यूं 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 किया कि बचाओ निकालो मैं मर जाऊंगा।
पर सुकरात ने उसके एक इशारे पर ध्यान न दिया, वो तो बिल्कुल जमकर उस पर बैठे ही रहे। युवक अंदर और सुकरात बाहर, युवक पानी के अंदर सुकरात बाहर। युवक को लगा कि अब मैं अगर हाथ से इशारा करता रहा तो नहीं बच पाऊंगा। उसने अपनी ताकत बटोरनी शुरू की। उसे लगा कि अगर मैंने 15 सेकंड में कोई निर्णय न लिया, 15 सेकंड में बचने के लिए पूरी ताकत न लगाई तो मेरी मौत तय है, क्योंकि मेरा सामना किसी पागल आदमी से हो गया। यह कोई पढ़ा लिखा नहीं पागल आदमी है, मूर्ख आदमी है। और तब युवक ने अपनी ताकत लगाई, जोर लगाने की कोशिश की, पर मैंने कहा सुकरात भारी भरकम के आदमी थे, युवक का जोर काम न किया। उसने अपनी और ताकत लगाई, पांव की, कंधों की, घुटनों की, जंघाओं की, पीठ की, दिमाग की, गर्दन की, सारी ताकत, भुजाओं की ताकत लगाने शुरू। उसे लगा मैं नहीं बच पाऊंगा। उसने अपनी पूरी प्राणों की ताकत लगाई, पूरी आत्मा की ताकत लगाई, पूरी मन की शक्ति बटोरी। उसे लगा कि अगर अब मैंने 5 सेकंड में कुछ न किया तो मैं मरने वाला हूं, और उसने अपनी पूरी ताकत लगाई, पूरी ताकत लगाई। और पूरी ताकत लगाकर जोर से धक्का देकर सुकरात को नीचे पटका, बाहर निकला। और बाहर निकलते ही चिल्लाते हुए कहने का, पागल मूर्ख, मैं तुमसे प्रश्न का समाधान पाने आया था और तुम मुझे पानी में डुबो रहे हो। मेरे मन में तो तुम्हारे प्रति श्रद्धा थी, लोगों ने कहा था सुकरात जीवन के समाधान करते हैं, और मैं तो प्रश्न का समाधान पाने आया, आप मुझे जान से मार रहे हैं। सुकरात ने कहा, मैं तुम्हें कहां जान से मारा था भाई, मैं तो तुम्हें प्रश्न का समाधान दे रहा था। युवक ने कहा, पागल कहीं के, ये कोई प्रश्न का समाधान देने का तरीका है? अरे मैं तो आपसे ये जानने आया था कि सफलता का राज क्या है, आप तो मुझे मौत के दरवाजे पर ले गए। अरे ये तो मैंने अपनी पूरी ताकत न लगाई होती तो मैं तो मर गया होता अभी तक। सुकरात ने कहा, युवक जरा एक बात का मुझे जवाब दो, जब मैंने तुम्हें पानी में डुबोया और मैं तुम पर बैठ गया तो तुमने अपने आप को बचाने के लिए कितनी ताकत लगाई? 10%, 20%, 50%, 90%, 100%, कितनी ताकत लगाई? अरे उसने कहा, ताकत, अरे मेरे भीतर जितनी ताकत थी, तन की, मन की, प्राण की, आत्मा की, विचारों की शक्ति सारी लगाकर और मैंने अपने आप को बचाया। सुकरात ने कहा, जाओ, मेरी तरफ से तुम्हारी जिंदगी के लिए यही प्रश्न का समाधान है। उसने कहा, मतलब? सुकरात ने कहा, तुमने अभी जितनी ताकत अपने आप को बचाने के लिए लगाई थी, जिस दिन इतनी ताकत अपने आप को बढ़ाने के लिए लगाओगे उस दिन दुनिया के शहंशाह बन जाओगे। जितनी ताकत तुमने अभी अपने आप को बचाने के लिए लगाई, अगर उतनी ताकत अपने आप को बढ़ाने के लिए, अपने आप को सफल करने के लिए अपनी उतनी ताकत लगाओगे तो एक दिन तुम आगे बढ़ जाओगे। अरे मेरे भाई, हम अगर कमरे में बैठे हैं किताब पढ़ने के लिए, रात अंधेरी है और कमरे में 0 वाल का बल्ब जल रहा है। हम किताब पढ़ने के लिए कमरे में बैठे हैं और कमरे में 0 वाल का बल्ब जल रहा है। किताब थोड़ी सी बारीक अक्षर है, चंद्र प्रभु जी की किताब, ऐसे जिए समझो हम लेकर बैठे और उसे खोल कर बैठे हैं पढ़ने के लिए, जीवन का ज्ञान प्राप्त करने के लिए। हमने किताब खोली और देखा कि 0 वाल के बल्ब में किताब नहीं पढ़ी जा रही है, मध्यम रोशनी आ रही है, धीमी रोशनी आ रही है। तो हमारे पास 2 विकल्प है, हमारे हाथ में है चंद्र प्रभु जी की किताब, हम उसे पढ़ना चाह रहे हैं पर 0 वाल्ट का कमरे में बल्ब लगा हुआ है, रोशनी मध्यम आ रही है। अब हमारे पास 2 विकल्प है, बुद्धि लगाओ कौन कौन से। पहला विकल्प बहुत आराम का, कौन माथा फोड़ी करे, कौन छाती कूटा करे, किताब को करो बंद और आराम से सो जाओ, ठीक है ना? काहे का छाती कूटा, किताब को करो बंद, रखो सिराने, करो आंख बंद और बिस्तर पर लंबे होकर के तकिया लगाकर सो जाओ। पर याद रखना, जिन लोगों ने ये पहला रास्ता जीवन के लिए जोड़ा वे लोग केवल बंद आंखों वाले रह गए और बिस्तर तक सीमित रह गए, पर इंसान के पास दूसरा विकल्प है। अगर 0 वाल्ट के बल्ब में हम जीवन की किताब नहीं पढ़ पा रहे हैं तो हमारे पास पहला विकल्प था, किताब को बंद करो, आंख बंद करो और सो जाओ, चैन की नींद लो, माथा फोड़ी खत्म करो। पर दूसरा विकल्प हमारे पास है, बुद्धि लगाओ क्या विकल्प है, जबार से बोलिए क्या विकल्प है, दूसरा क्या विकल्प है, जोर से बोलिए क्या विकल्प है। मैं जो आज आपके बंद किस्मत के तालों को खोलने की चाबियां दूंगा, ये चाबियां नहीं, ये बल्ब को चेंज करने की प्रक्रिया है। अब तक अगर हम आगे न बढ़ पाए, अब तक अगर हम शहर के आगेवान लोग न बन पाए, अब तक अगर हम समृद्धि के दरवाजे न खोल पाए तो इसका मूल कारण ये नहीं कि हमारे भाग्य कमजोर थे, सच्चाई तो यह है जब जब किताब नहीं पढ़ी गई हमने किताबों को बंद किया, बल्ब को चेंज करने का प्रयास नहीं किया। उठो, खड़े हो जाओ,
बल्ब को चेंज करो। अगर 0 वाल्ट के बल्ब में किताब नहीं पढ़ सकते तो ईश्वर ने तुम्हारे हाथ में 40 वाल्ट का बल्ब दिया है, अगर उससे भी किताब नहीं पढ़ सकते तो क्या करो, 100 वाल्ट का बल्ब लगाओ, बल्ब को चेंज करो, अपनी ताकत को बढ़ाते चले जाओ, अपनी शक्ति को बढ़ाते चले जाओ। अरे आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों तुम सफलता के द्वार के करीब पहुंच जाओगे। एक बार देख लो, कहीं आपके जीवन की यही तो समस्या नहीं बनी रही कि हम केवल गुदगुने प्रयास करते रहे, सामान्य से प्रयास करते रहे, भगवान के भरोसे बैठे रहे और यहीं बैठे ठाले निकम्मे सोचते रहे कि अगर मेरे भाग्य में होगा तो भगवान मुझे अपने आप देता रहेगा। मेरे भाई, मैं मानता हूं कि जिंदगी में भाग्य की भी कीमत है, परिश्रम की कीमत है, पर मैं आपको आज जीवन का राज बताना चाहता हूं। भाग्य की भूमिका जिंदगी में पिता की होती है और मेहनत की भूमिका जिंदगी में माँ की होती है। एक इंसान को जन्म लेने में पिता की भूमिका कितनी होती है और मां की भूमिका कितनी होती है हम सब जानते हैं। एक इंसान के जन्म लेने में, एक मनुष्य के जन्म लेने में, हमारे जन्म होने में हमारे पिता की भूमिका कितनी देर की रही याद कीजिए। हमारे मां की कोख से जन्म लेने के पहले पिता की भूमिका कितनी रही और मां की भूमिका कितनी रही। पिता की भूमिका कुछ पल की होती है और मां की भूमिका लंबे अरसे की होती है, लेकिन इसके बावजूद बेटा हमेशा बाप का कहलाता है। इसलिए हम कहते हैं कि हमें जो मिला है भाग्य से मिला है, पर मैं आपको जीवन का राज खोल रहा हूं, भाग्य हमारी जिंदगी में पिता है और मेहनत हमारी जिंदगी की मां है। पिता का केवल बीज पल्लवन हो सकता है, पर मां के द्वारा जीवन का निर्माण होता है, मां के द्वारा जीवन आगे बढ़ता है, मां के द्वारा जीवन का जन्म होता है, मां के द्वारा पाल पोस कर जीवन का निर्माण किया जाता है। किस्मत बनती है सत्कर्म से, किससे? किस्मत बनती है सत्कर्म से। याद रखना, हरी घास हरी तो होती है पर वो हमेशा हरी रहती नहीं। हरी घास हरी तो होती है पर वो हमेशा हरी रहती नहीं है, उसको हरा रखने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ता है। बुद्धि लगाओ, क्या करना पड़ता है? हरी घास को अगर हमेशा हरा रखना है तो क्या करना पड़ेगा? सब बोलो एक साथ, क्या करना पड़ेगा? पानी देना पड़ेगा। जिंदगी हमारी ऐसी है, अगर घास को हरा भरा रखना है तो रोज पानी देना पड़ता है, और भाग्य को अगर हरा भरा रखना है तो उसमें रोज सत्कर्म का पानी डालते रहो ताकि तुम्हारा भाग्य हरा भरा बना रहे। किस्मत बनती है सत्कर्म से, पर किस्मत खुलती है आदमी के मेहनत और पुरुषार्थ से। किस्मत बनती है सत्कर्म से, पर किस्मत खुलती है आदमी के मेहनत और पुरुषार्थ से। देखो, 2 अक्षर का क्या होता है? लक। बुद्धि लगाना सब लोग। मैं हमेशा कहा करता हूं ना, मोबाइल भले ही डिस्चार्ज हो पर जिंदगी हमेशा चार्ज हो, सक्रिय रखो दिमाग को। 2 अक्षर का क्या होता है? बोलो सब लोग, जोर से बोलो, ठेठ बाहर वाले खड़े लोग बोलो तो। 2 अक्षर का क्या होता है? लक। तो 2.5 अक्षर का क्या होता है? भाग्य। 2 अक्षर का होता है लक, 2.5 अक्षर का होता है भाग्य, 3 अक्षर का, बुद्धि लगाओ, बुद्धि लगाओ, किसने बोला? नसीब। बिल्कुल सही, 2 अक्षर का लक होता है, 2.5 अक्षर का भाग्य होता है, 3 अक्षर का नसीब होता है और 3.5 अक्षर की किस्मत। क्या क्या कहा मैंने? 2 अक्षर का, 2 अक्षर का, सब बोल लो, सब बोलो जो पंडाल में बैठे हैं। 2 अक्षर का लक, 2.5 अक्षर का भाग्य, 3 अक्षर का नसीब, 3.5 अक्षर का, 2 अक्षर का लक, 2.5 अक्षर का भाग्य, 3 अक्षर का नसीब, 3.5 अक्षर की किस्मत होती है। पर जिंदगी में 4 अक्षर का तत्व जब तक न जुड़ जाए तब तक ये चारों कोई परिणाम नहीं देते हैं। 2 अक्षर का लक, 2.5 अक्षर का भाग्य, 3 अक्षर का नसीब, 3.5 अक्षर की किस्मत, पर एक 4 अक्षर का होता है जिसे हम कहते हैं मेहनत। क्या कहते हैं? मेहनत। और जो आदमी अपनी जिंदगी में मेहनत के द्वार को खोल लिया करता है उसके बाकी चारों चीजें अपने आप जीवन में जागृत हो जाया करती है। जीवन के अंधेरे को कोसने की बजाय, जीवन के अंधेरे को कोसने की बजाय मेहनत की मोमबत्ती जलाइए। ये अंधेरा है, ये अंधेरा है, ये अंधेरा है, ये कोसने से जिंदगी में जीवन का अंधेरा कभी दूर ना होगा, जीवन की गरीबी कभी दूर ना होगी, जीवन की मध्यम वर्गीयता कभी दूर ना होगी, जीवन का आलस्य और प्रमाद कभी दूर ना होगा। आदमी को मेहनत की मोमबत्ती जलानी होगी और अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए कटिबद्ध होना पड़ेगा। कैसे होता है कर्म फूटा?
बोलो तो, क से होता है, क से होता है किस्मत वाला, क से होता है कर्म फूटा, क से होता है किस्मत वाला और क से होता है कर्म योग। ये तीनों जुड़े हुए हैं। पहला क से मैंने क्या कहा, कर्म फूटा, दूसरे क से किस्मत वाला, तीसरे क से कर्म योग करने वाला। मैं आपको ये जीवन का पाठ पढ़ाना चाहता हूं, अगर इंसान कर्म योग करे, अगर इंसान कर्म योग करे तो कर्म फूटा भी एक दिन किस्मत वाला बन सकता है। अगर इंसान मेहनत करे, ईमानदारी से परिश्रम करे, ईमानदारी से, अरे इस दुनिया में जितने अमीर लोग हुए हैं आज की तारीख में, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वे तकदीर के मारे हुए थे, भाग्य से कोशे हुए थे। और 70% दुनिया के अमीर लोग ऐसे हैं जो किसी गरीब के घर में पैदा हुए थे। 70% इस दुनिया की आज जितने अमीरों के शहंशाह लोग बने हुए हैं, उसमें से 70% अगर हर आदमी भाग्य से अमीरी लिखा कर लाता तो हर आदमी टाटा बिरला के घर में पैदा होता। लेकिन मेरे भाई, खास बात यह नहीं है कि टाटा बिरला के घर में पैदा होकर कोई आदमी टाटा बिरला बन गया, खास बात यह है कि भीलवाड़ा की कच्ची बस्ती में पैदा होकर भी कोई आदमी उस मुकाम तक पहुंच गया तो मानकर चलो वो सफल होने में कामयाब हो गया, वो जीवन का, जीवन के उस मार्ग तक पहुंच गया जहां तक जाकर सफलता का इंसान की जिंदगी में द्वार खुलता है। इनकार किया था जिन्होंने कभी मिलने से मेरा समय देखकर, क्या कहा मैंने, इनकार किया था कभी जिंदगी में मिलने के लिए जिन लोगों ने मेरा समय देखकर, मैं अपनी जिंदगी को उस मुकाम तक पहुंचाऊंगा कि उनको मिलना पड़ेगा मुझसे समय लेकर। जिंदगी में कभी इनकार किया था मेरी परिस्थिति को देखकर लोगों ने मुझसे मिलने के लिए, अरे साहब समय नहीं है, मेरे समय को देखकर लोगों ने समय नहीं दिया था, लेकिन मैं इस मुकाम तक अपने आप को हर इंसान पहुंचाए कि एक दिन वे ही लोग मिलने के लिए आए तुमसे समय लेकर, कि भाई साहब हम आपसे कब और कैसे मिल सकते हैं। मेरे भाई, जीवन में संभावनाएं अभी भी शेष है। अगर आप 50 साल के हो गए तो ये मत समझो कि हम जीवन में कुछ कर नहीं सकते हैं। अगर आप 60 और 70 साल के हो गए तो हम ये न समझें कि जीवन में हम कुछ कर नहीं सकते हैं। मैं आपको बता दूं, हरे रामा हरे कृष्णा मिशन जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है, उसके जो प्रमुख है प्रभुपाद, उस संत ने 70 साल की उम्र में संकल्प लिया था कि मैं भगवान के नाम को, इस भक्ति के योग को पूरी दुनिया भर में फैलाऊंगा। और पहली बार 70 साल की उम्र में प्रभुपाद ने जलयान से अपनी यात्रा शुरू की, हाथ में एक ढोलक लेकर, एक कौड़ी पैसा साथ में न लिया, केवल एक ढोलक एक तबली साथ में लेकर वो प्रभुपाद स्वामी हरे कृष्णा हरे मिशन के प्रमुख रवाना हुए थे। किस उम्र में, कौन सी उम्र में, 70 साल की उम्र में, और 82 साल के हुए तब तक वो दुनिया से चले गए। पर मैं ये बताना चाहता हूं, 70 साल की उम्र में भी आदमी ये उपक्रम उठा ले कि मैं अपने भगवान की वाणी और उनकी भक्ति को पूरी दुनिया में फैलाने में सफल होऊंगा, तो जिस हरे रामा हरे कृष्णा को बंगाल के लोग भी नहीं जानते थे, 70 साल के उस बूढ़े ने पूरी दुनिया में फैला दिया। आदमी ये न सोचे कि मेरी उम्र अब क्या हो चुकी है, आदमी ये भी न सोचे मैं किसी गरीब के घर में पैदा हुआ, मैं भला दुनिया में क्या बन सकता हूं। तो हमारे लिए आदर्श है ऐसे दुनिया में कई लोग जो किसी गरीब के घर में पैदा हुए पर आज दुनिया के अमीरों में अमीर बने हुए हैं। हम ये न सोचे अजी साहब मैं तो साइकिल पर जीवन की शुरुआत की, मैं क्या कर सकता हूं। तो उन सब लोगों के जीवन को देखो जो कल तक सड़क पर थे आज वो आसमान में है, कल तक अर्श पर थे आज वो आसमान में है, कल तक वो जमीन पर थे आज वो ऊंचाई ऊपर चढ़े हुए हैं। देखो उन सब लोगों की जिंदगी को। आपको लगता है क्या बताऊं साहब, मैं तो एक गरीब घर में पैदा हुआ, क्या बताऊं साहब मेरा एक हाथ काम नहीं करता है, क्या बताऊं साहब, लोग जाते हैं हस्तरेखा वालों के पास, भाई साहब मेरा हाथ देख के बता दो, मेरे तकदीर बता दो, मेरे दशाएं बता दो। और उनका फिक्स जवाब, ये ज्योतिष वालों का, हस्तरेखा वालों का फिक्स जवाब, तेरे शनि लगा है, तेरे राहु लगा है, तेरा मंगल भारी है, तेरे केतु की दशा है फिक्स। और आदमी क्या सोचता है, मुझे नुकसान क्यों लगा, किसी आदमी को कपड़ा मिल में नुकसान लगा, वो गया किसी ज्योतिषी के पास हस्तरेखा वाले के पास और उसने कहा तेरे शनि भारी, सो तेरे नुकसान लग गया। अब आदमी के दिमाग में क्या आया, मेरे शनि खराब इसलिए नुकसान लग गया। उसने कहा 7.5
सात साल की छुट्टी हो गई, सात साल तक कुछ न कर पाया। मेरे भाई, जीवन में कभी नुकसान हो जाए तो अपने नुकसान का दोष किसी शनि को देने के बजाय अगर अपनी कार्यशैली को देंगे, कार्यशैली को ठीक करेंगे, शनि का दोष सात साल में उतरेगा और कार्यशैली छह महीने में ठीक करके वापस आप अपने मुकाम तक पहुंच जाएंगे। अरे किस्मत तो उनके भी होते हैं जिनके दुनिया में हाथ नहीं होते, नसीब तो उनके भी होते हैं जिनके दुनिया में हाथ नहीं होते, जिनके हाथ की रेखाएं नहीं होती, उनके भी नसीब तो होते। एक युवक पहुंचा किसी हस्तरेखा वाले के पास, जाकर कहा मेरा हाथ देखो। उसने हाथ देखा, इधर देखा उधर देखा, 15 मिनट हाथ देखा और हाथ देखकर कहा तेरे तो शनि की दशा लगी है, जबरदस्त दशा लगी है, तू अभी कुछ कर नहीं पाएगा, तेरा तो भाग्य खराब, नसीब खराब, अरे बड़ी जबरदस्त शनि की मां दशा लगी है, 7.5 लग गई है तेरे। युवक ने सारे उपाय पूछे, उसने कहा ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले, शनि की 7.5 उतर जाएगी। रवाना होने लगा तो हस्तरेखा विशेषज्ञ ने कहा भाई कुछ तो देखकर जा। उसने कहा मेरे पास कुछ नहीं है। कहा अच्छा भाई 100 रुपये देके जा यार, सुबह सुबह पहला आया हाथ दिखाने के लिए, 100 रुपये देके जा। उसने कहा मेरे पास तो नहीं है। उसने कहा 50 रुपये ही देके जा। उसने कहा मेरे पास नहीं यार, कहां से दूं। उसने कहा अच्छा चल चल कोई बात नहीं, 20 रुपये तो देके जा, पहला तू ही आया। उसने कहा मेरे पास नहीं। उसने कहा अच्छा 10 रुपया तो देके जा। उसने कहा मेरे पास नहीं है यार। उसने कहा अच्छा 5 रुपये ही देके जा। उसने कहा बोला ना मेरे पास नहीं है। उसने कहा खाली हाथ मत जाना, 1 रुपया ही देके जा। उसने कहा मेरे पास नहीं। उसने कहा जा। हस्तरेखा वाले ने कहा जा, तेरा शनि का बाप भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब तेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, तेरा बिगाड़ क्या लेगा शनि भी कोई, जा तू आराम से जा, तेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। जिंदगी का निर्माण करो। अगर हेलन केलर, जिसको जन्म से ईश्वर ने आंख ना दी, जिसको ईश्वर ने जन्म से सुनने की ताकत ना दी, कल्पना करो आपके पास हाथ है, पांव है, सब कुछ है, फिर भी आप अभी तक आगे बढ़ने के लिए अपने आप को पूरा तैयार नहीं कर पा रहे हैं, उस नारी के बारे में कल्पना करो जिसको ईश्वर ने जन्म से देखने की ताकत ना दी। एक बार कल्पना करो कि हमें भी अगर ये ताकत नहीं होती तो हम क्या अंधेरे में होते। उस नारी के बारे में कल्पना करो जिसको जन्म से ईश्वर ने जबान न दी बोलने के लिए, कानों में पर्दे न दिए सुनने के लिए। एक ही नारी में तीनों व्यवस्थाएं थी, वो सुन नहीं सकती थी, वो देख नहीं सकती थी, वो बोल नहीं सकती थी। तय है कि ऐसी हालत में हमारी जिंदगी व्यर्थ चली जाएगी कि हम बोल नहीं सकते, हम लिख नहीं सकते, हम कर नहीं सकते, हम सुन नहीं सकते, हम देख नहीं सकते, हम भला जीवन में क्या कर सकते हैं। मैं उन सब लोगों के लिए आदर्श पेश करना चाहूंगा कि वो महिला जो सुन नहीं सकती थी, देख नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी, अगर वो पूरी दुनिया भर में अपने नाम का झंडा गाड़ सकती थी, अमेरिका में पैदा हुई इस महिला की चर्चा अगर इंडिया के बैठे हुए लोग कर रहे हैं, तो तय मानकर चलो कहीं ना कहीं ऐसा कोई विश्वास भीतर रहा होगा कि जिसके बलबूते वो आगे बढ़ी। अंधी बैची, गूरी गूंगी बच्ची, बहरी बच्ची, मां ने जन्म देती 6 महीने के बाद उसको सड़क पर फेंक दिया, कचरा पेटी में डालकर आ गई, और उधर से निकलने वाले की स्कूल की अध्यापिका ने उस बच्ची की रोती हुई आवाज को सुना, घर पर लाई, उसे पता लग गया ये अंधी है, ये बैरी है, ये गूंगी है, कुछ जीवन में नहीं कर पाएगी। पर उस बच्ची के भीतर भी विश्वास पैदा किया गया, उसके भीतर आत्मविश्वास पैदा किया गया, उसके भीतर ये जोश जगाया गया कि तुम्हारे पास आंख नहीं है, कान नहीं है, जबान नहीं है। मेरे भाई, जब उस महिला ने जीवन की पहली किताब लिखी तो वो किताब पता है किसे समर्पण की? अपने मम्मी पापा को नहीं, अपने गुरुजनों को नहीं, अपने ईश्वर और भगवान को नहीं, उसने वो किताब समर्पित किया अपने उस आत्मविश्वास को जिसके बलबूते आदमी जीवन में आगे बढ़ सकता है, प्रगति कर सकता है। संभावनाएं हम सब लोगों के बीच अभी भी है। हम एक कॉलेज में गए थे, बड़ी कॉलेज थी, हमारा वहां पर सब युवाओं के लिए सत्संग प्रवचन था। कॉलेज में गए, वहां पर युवाओं के लिए हमारा सत्संग और प्रवचन था। हमने दूर से देखा कि वहां पर एक नया भवन बन रहा था। अचानक पता नहीं हमें क्या सूझा, हमने युवाओं से कहा, हमने कहा युवाओं जाओ वहां से एक बड़ा तपेला, एक बड़ी कढ़ाई उठा के लाओ। युवक लोग गए और वहां पर इतना बड़ा एक तपेला भगोना पड़ा था, वो लेकर आए, लाकर सामने रख दिया। हमने कहा एक काम करो, अब इस तपेले को अपन को भरना है, बहुत ध्यान से लीजिएगा घटना। हमने कहा अब एक काम करो, इस तपेले को अपन को भरना है, वो काम करो ना, वहां जो मकान बन रहा है, बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं, लाकर इसमें डालो। 5 छोरे फिर गए, 5 युवक फिर गए और बड़े बड़े 15-20 पत्थर उठाकर लाए कि वो भगोना पूरा का पूरा भर गया। हमने युवाओं से पूछा
क्या ये पूरा भर गया है, क्या अब इसमें कुछ जा सकता है? युवाओं का नहीं महाराज, अब ये पूरा भर गया है। हमने कहा देखो कोई संभावना नहीं साहब, अब इसमें कुछ नहीं जा सकता। हमने कहा एक काम करवा, देखो छोटे छोटे पत्थर पड़े, युवक दौड़ के लाए, एक तगारी छोटे छोटे पत्थर लाए। हमने कहा साइड में से डालो, बड़े बड़े पत्थर थे तो बीच में छेद थे, छोटे छोटे पत्थर भी उसमें डाल दिए गए। अब तो तपेला पूरा भर गया। हमने कहा आपके साहब अब इसमें कुछ नहीं जा सकता। हमने कहा देखो वहां कंक्रीट पड़ी है, संभावना है, जीवन की संभावना है। हमने कहा देखो वहां कंक्रीट पड़ी है, कंक्रीट की एक तगारी मंगाई गई। हमने कहा इसमें डालो, भगोने को हिलाया गया, कंक्रीट डाली गई, भगोने को हिलाया गया, कंक्रीट डाली गई, अंदर गई कि नहीं, गई कि नहीं, गई, कंक्रीट भी चली गई। कहा साहब गुरुजी अब पूरा भर गए, अब आप सत्संग शुरू करो। हमने कहा देखो कोई संभावना का नहीं सब, अब इसमें कुछ नहीं जा सकता। हमने कहा वहां देखो एक तगारी बजरी पड़ी है, वो बजरी लेकर आए। हमने कहा ये, उन्होंने फिर उसको हिलाया, बजरी डाली, पूरी बजरी की एक तगारी चली गई। हमने कहा कि साहब अब तो इसमें कुछ भी नहीं जा सकता। अरे पत्थर डाल दिए, छोटे पत्थर डाल दिए, कंक्रीट डाल दिए, बजरी डाल दी, अब उसमें कुछ नहीं जा सकता। हमने कहा एक काम करो, एक बाल्टी पानी, जीवन की संभावनाएं आज भी अभी भी शेष है। प्रगति के द्वार आज भी हमारे लिए खुलने के लिए तैयार है, आज भी हमारे लिए प्रगति के द्वार खुलने की संभावनाएं बाकी है। आदमी के जीवन की तीन तरह की कमाई होती है। पहली कमाई होती है बाप कमाई। क्या होती है? हर आदमी के अच्छा रहते हैं, मेरे पापा जी जाए ना, चार प्लॉट छोड़ के जाए, दो ऑफिस से छोड़ के जाए, और ये छोड़ के जाए, वो छोड़ के जाए। हर आदमी की तमन्ना होती है मैं अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ छोड़ के जाऊं। पर वो पुरानी कहावत याद रखो, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो बस। तो आदमी की पहली कमाई होती है बाप कमाई, आदमी उड़ता हुआ उसे खर्च करता है। आदमी की एक और बुरी कमाई होती है जिसे हम कहते हैं पाप कमाई। पहली होती है बाप कमाई, दूसरी होती है पाप कमाई। एक होती है बाप कमाई, उससे भी बुरी होती है पाप कमाई। पर इन दोनों के लिए भी जो जीवन में सफलता का द्वार खोलने का सूत्र देती है एक और कमाई। बुद्धि लगाओ, कौन से जोर से बोलो तो, क्या जोर से बोलो तो, ऐसे लटक लटक के मत बोलो आप कमाई। अरे आप कमाई, अपने आप की कमाई। और जिस दिन आदमी आप कमाई में जीता है ना, तब उसे कमाई करने का मजा आता है। अरे इन बच्चों को कौन बताए जिन जिद करते हैं मैं 50,000 का मोबाइल खरीदूंगी, अरे मुझे ये वाली मोटरसाइकिल चाहिए, अगर मुझे वो वाली बाइक चाहिए, मुझे 3500 रुपये की जींस के नीचे की मैं जींस नहीं पहनूंगी, मैं तो ब्रांडेड जींस ही खरीदूंगी। एक बार अपने उन बच्चों को जो कहते हैं 50,000 का मोबाइल चाहिए, उनको कहो बेटा 70,000 का मोबाइल खरीदो, बाप कमाई पे नहीं। जोर से बोले तो अक्कल ठिकाना आ जाएगी उन टाबरों की, और कहेंगे नहीं अब तो 2200 का मोबाइल ही ठीक है। एक बार उन्हें इस बात के लिए कह दो कि भाई तुम बाइक लेना चाहते हो ना, बढ़िया से बढ़िया दिलाएंगे, मना थोड़े ही है। तुम जींस 3500 की क्यों, 6,000 की खरीद, कोई मना नहीं है। पर बाप कमाई पर रोटी खाओ, बाप कमाई पर पढ़ाई करो, बाप कमाई पर रहने की छत लो। इसके अलावा जीवन में कुछ पाना है तो आप कमाई पर भरोसा करना शुरू करो। अपने बच्चों कहो बेटा ले 60,000 का मोबाइल खरीद, मना नहीं है। चल तुम 12वीं पास कर गया ना, अपनी कॉलोनी में 6 लड़कों को रोज पढ़ाना शुरू कर। अब वो 6 लड़कों को पढ़ाना शुरू करेगा, महीने के कमाएगा 3,500-4,000 रुपये, 2 महीने में होंगे 8,000 रुपये, और साल भर में होंगे 50,000 रुपये। उसको कहना चल बेटा मेरी इच्छा हो गई है, तुम्हें वो 50,000 वाला मोबाइल दिलाऊं, तूने कमाई की है। बेटा कहेगा पापा जी प्लीज, मुझे पता है कितनी मेहनत से कमाया जाता है, ये मोबाइलों पर नहीं उड़ाया जाता। एक बार उसको आप कमाई के लिए चैलेंज करो अपने बच्चों को। ये बाप कमाई पर उन्होंने बहुत मजे उड़ा लिए, एक बार उन्हें चैलेंज करो बेटा ले, तू तो 50,000 का कहता है जो पसंद हो ले, पर एक बार आप कमाई करनी शुरू कर, तब तुम्हें पता लगेगा कि कैसे 50,000 का मोबाइल खरीदा जाता है और कैसे 19,000 की साड़ी खरीदी जाती है। एक बार खुद अपनी मेहनत से आदमी पैसा कमाए ना, तो आदमी को पता लगे। मैंने कहा बाप कमाई को भी छोड़ो, पिता जो छोड़कर जाए ना आप लोगों के लिए, मेरे भाइयों और बहनों जो आपके बड़े बुजुर्ग आपके लिए छोड़कर जाए, बाप की कमाई बहन के बराबर होती है।
बाप की कमाई कैसी होती है? बहन के बराबर होती है। बहन का उपभोग नहीं किया जाता, बहन को तो दूसरों को प्रदान किया जाता है। ऐसे ही पिता के द्वारा छोड़ी गई संपत्ति आप उपयोग मत करो, उसे पुण्यार्थ खर्च करो और अपनी जिंदगी के लिए आप कमाई पर भरोसा करना शुरू करो। खुद की कमाई पर, अपने आप की कमाई पर, अपने आप पर भरोसा करना शुरू करो। और जिस दिन आदमी को अपने आप पर भरोसा हो जाएगा, न जीत है न हार है, ये सब तो मन के परिणाम है। न दुनिया में जीत है न हार है, ये सब तो मन के परिणाम है। मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। जिंदगी कुछ भी नहीं है। जिस दिन आपने मान लिया, मानो कि आप हार गए, पर जिस दिन आपने ठान लिया, उस दिन हमने जब जिंदगी में पहली बार मैदानों में प्रवचन देने शुरू किए थे ना, विशेषकर संपूर्ण जैन समाज में सबसे पहले मैदानों में प्रवचन देने की श्री गणेश हमने ही किया था सबसे पहले। उससे पहले कोई संत मैदानों में अपने अपने थानक उपाश्रयों में प्रवचन दिया करते थे। और जिस दिन हमने मैदानों में प्रवचन देना शुरू किया, देश में हमारी मजाक उड़ाई गई थी, ये क्या मैदानों को भरेंगे, अरे किराए पर टेंट तो बांध लेंगे पर किराए पर लोग कहां से लाएंगे। पूरे देश में हमारी मजाक उड़ाई गई। हमारे बड़े बड़े संतों ने हमें लिखा, पत्र दिया, फोन करवाया कि भाई अपने आग्रह छोड़ दो, अपने तो मंदिर उपासना स्थानक ठीक है, ये मैदानों में प्रवचन देने की जो सोच बनाई है ना, ये चलने वाली नहीं है, क्योंकि जैनी बहुत बंटे हुए हैं। आधे कहेंगे हम दिगंबर, आधे कहेंगे हम श्वेतंबर, आधे जैनी अलग हो गए। आधे कहेंगे हम मंदिर वाले, आधे कहेंगे हम मुपत्ति वाले, आधे जैनी अलग हो गए। मंदिर वाले आधे कहेंगे हम खतरगस के, आधे तपागस के, आधे जैनी अलग हो गए। कहने लगे जैन समाज इतना बड़ा हुआ है, इतना हुआ है, क्या तुम जैनियों के भरोसे पंडाल भर पाओगे? और तब हमने इस बात को चैलेंज लिया। हमने कहा जैनियों के भरोसे न भर पाए, पर 36 कौम के भरोसे जरूर भर पाएंगे। मान लो तो हार है पर ठान लो तो जीत है। जिंदगी की कहानी इतनी सी है, जिंदगी का अध्याय इतना सा है, जिंदगी की भूमिका और उपसंहार इतनी सी है। जिस दिन आप मान लो कि अब मुझसे नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, तो मान लो कि वो हार है, पर जिस दिन आपने ठान लिया है, करेंगे करेंगे। ये हमारा जो चौमासा हुआ है ना, अगर ये मान लेते ना तो नहीं होने वाला था। क्यों जी? अगर आप मान लेते ठीक है, बाप जी के तो बहुत देश में शहर वाले हैं, करा लेंगे, बहुत उनके तो विनतियां कई जगह हैं, चले जाएंगे। मान लेते कि ठीक है, जब गुरुजी को सुविधा होगी तब यहां आ जाएंगे, तो शायद 12 साल भी नंबर। पर ठान लिया, क्या किया? ठान लिया। जब मानोगे तो हार हो जाएगी, पर ठानोगे तो जीत हो जाएगी। एक पत्थर में, एक चोट में पत्थर न टूटे। सामने एक पत्थर पड़ा है और एक पत्थर अगर एक चोट में न टूटे, बड़ा पत्थर था, हथौड़ा मारा पर पत्थर न टूटा। हमारे पास दो विकल्प, अब दोबारा बुद्धि लगाओ, क्या क्या? पहला विकल्प क्या है? हथौड़े को उठाओ, किनारे रख दो, पत्थर जाने उसका भाग्य। और दूसरा, दूसरा, दूसरा हाथ उठा के, दूसरा एक चोट और मारो, और तब दूसरी चोट मारी तब भी पत्थर न टूटा, फिर दूसरा विकल्प। पहला विकल्प है पत्थर को छोड़ो और हथौड़े को छोड़ो, और दूसरा विकल्प है एक चोट और मारो, तीसरी चोट मारी पत्थर न टूटा, चौथी चोट मारी पत्थर न टूटा, पांचवीं चोट मारी पत्थर न टूटा, छठी चोट मारी पत्थर न टूटा, सातवीं चोट मारी पत्थर न टूटा, आठवीं चोट मारी पत्थर न टूटा, नौवीं चोट में भी पत्थर न टूटा। फिर हमारे पास दो विकल्प, छोड़ो इस माथा फोड़ी को, और दूसरा विकल्प, जिंदगी में कभी भी असफल हो जाओ तो अपना प्रयास मत छोड़ो। जिंदगी के चाबी के गुच्छे में कौन सी चाबी ऐसी निकल जाए जो भले ही अंतिम हो पर उससे ही ताला खुल जाए। और वो जो दसवीं चोट पत्थर पर पड़ रही है, कितनी चोट? दसवीं चोट। नौ चोटें बेकार गई और दसवीं चोट ने पत्थर के दो टुकड़े कर दिए। जरा मुझे एक बात बताओ, कौन सी चोट ने पत्थर को तोड़ा? कौन सी चोट ने, कौन सी चोट ने, कौन सी चोट ने पत्थर को तोड़ा? हाँ बोलो बेटा, बोलो। हैं? कितनी? दसवीं चोट ने, नौ चोट ने, हैं? सबने मिलके। ओ तो ये आजाद चौका मैदान किसने भरा? सबने।
पहली चोट ने परिणाम न दिया, दूसरी ने परिणाम न दिया, हमें लग रहा था कि परिणाम नहीं आ रहा, पर परिणाम आ रहा था। पहली चोट ने पत्थर को थोड़ा ढीला किया, दूसरी ने और ढीला किया, तीसरी ने और ढीला किया, चौथी पांचवीं छठी सातवीं आठवीं नौवीं चोट ने पत्थर को और ढीला किया और दसवीं चोट ने उसका परिणाम दिया। जीवन में कोई चोट बेकार नहीं जाती। एक बात समझ लो, जीवन में कोई भी चोट इंसान की बेकार नहीं जाती। अपने प्रयास और पुरुषार्थ में कभी कमी मत आने दो, कभी कमी मत आने दो, कभी कमी मत आने दो। खाली बोरी कभी खड़ी नहीं रह सकती। एक बार दिमाग में लाओ तो खाली बोरी, घर पे पड़ी है ना खाली बोरी। खाली बोरी कभी हाँ लटक तो सकती है खूंटी पर और लेट सकती है जमीन पर। खाली बोरी लटक सकती है खूंटी पर और लेट सकती है जमीन पर याद रखना, खाली बोरी कभी खड़ी नहीं होती। और बोरी को अगर खड़ा होना है तो उसके भीतर जिंदगी और बोरी दोनों एक जैसी है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। याद रखना, खाली बोरी लटक सकती है, लेट सकती है, पर अपने बलबूते खड़ी नहीं हो सकती है। बोरी को अगर भरना है, बोरी को अगर खड़े होना है, तो हमें उसके भीतर कुछ ना कुछ भरना पड़ेगा। और जिंदगी को अगर खड़ा करना है, जिंदगी को अगर आत्मनिर्भर बनाना है, जिंदगी को अगर ऊंचाइयों तक छूना है, जीवन का अगर निर्माण करना है, तुम जहां खड़े हो वहां से आगे बढ़ना है, तो तय मानकर चलो। आसमान तक अगर गुब्बारा पहुंचाना है तो मुंह की हवा पर्याप्त नहीं हुआ करती। आसमान तक अगर गुब्बारे को पहुंचाना है तो केवल मुंह की हवा के बलबूते आसमान तक गुब्बारा नहीं पहुंचेगा, उसमें कुछ और डालना पड़ेगा। बोरी को अगर खड़ा होना है तो केवल अपने बलबूते खड़ी न होगी, उसमें कुछ और भरना पड़ेगा। और जब बोरी भरती है, जब इंसान की जिंदगी भीतर से विश्वास से भरती है, तब आदमी अपने आप में अपने पांव पर खड़ा होने में सफल हो जाता है। जिद करो, अपने आप के लिए जिद करो कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे प्रगति करनी है, मैं आगे बढ़ूंगा 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 बढ़ूंगा। अपनी बुद्धि में धार लेकर आओ, अपनी बुद्धि में तेजस्विता लेकर आओ, अपने आत्मविश्वास को मजबूत करो। एक व्यक्ति मेरे पास आया, आकर कहने लगा, साहब मैंने मिठाई की दुकान खोली है। क्या कहा? मैंने मिठाई की दुकान खोली है, पर मैं क्या करूं, मैं बड़ा मनहूस होता जा रहा हूं, मैं बड़ा मन से कमजोर होता जा रहा हूं, मुझे लगता है मेरी मिठाई की दुकान नहीं चलेगी। मैंने कहा, मतलब कि साहब आज से 15 साल पहले हमारे शहर में एक मिठाई की दुकान खोली, उस मिठाई की दुकान वाले ने अपने मिठाई की दुकान पर लिखा कि इस शहर के सारे लोग मेरे यहां की मिठाई खाते। क्या लिखा? इस शहर के सारे लोग मेरे यहां की मिठाई खाते हैं। उसके बगल में एक और दुकान खुली, उसने लिख दिया, इस देश के सारे लोग मेरी मिठाई खाते हैं। पहले ने क्या लिखा? इस शहर के सब लोग मेरी मिठाई खाते हैं। दूसरे ने अपने दुकान के बैनर के नीचे लिखा, पूरे देश के लोग मेरे यहां की मिठाई खाते हैं। उसके ठीक बगल में एक तीसरी दुकान खुली, उसने लिखा, पूरी दुनिया के लोग मेरे यहां की मिठाई खाते हैं। उसने कहा, महाराज जी मैंने दुकान तो खोल ली, पर क्या बताऊं, बड़ा मन अशांत होता जा रहा है, क्योंकि इन तीनों दुकानों के सामने ही मेरी दुकान है। इन तीन मिठाई वालों की दुकान के सामने मेरी दुकान है। एक पर लिखा है, इस शहर के लोग, पूरे भीलवाड़ा के लोग मेरी मिठाई खाते हैं। एक दुकानदार ने लिख दिया है कि पूरे देश के लोग हमारे यहाँ की मिठाई खाते हैं। एक ने लिख दिया है कि पूरी दुनिया के लोग हमारे यहाँ की मिठाई खाते हैं। अब मुझे कोई वाक्य नहीं मिल रहा है कि मैं क्या लिखूं। मैंने कहा, चिंता मत कर, तेरी दुकान भी धड़ल्ले से चलेगी। तू ललित प्रभु जी चंद्र प्रभु जी के पास आया है, तेरी दुकान नहीं अटकने वाली, धड़ल्ले से चलेगी। अरे एक ने लिखा है, पूरे शहर के लोग मेरी मिठाई खाते हैं। दूसरे ने लिखा है, पूरे देश के लोग मेरी मिठाई खाते हैं। तीसरे ने लिखा है, पूरी दुनिया के लोग हमारी मिठाई खाते हैं। तू इनके सामने है ना, तू लिख दे, ये तीनों दुकानदार हमारी मिठाई खाते हैं। कम और कमजोर मत समझो। ये तीनों दुकानदार हमारे यहां के कपड़े पहनते, लिख देना अपनी दुकान पर। उत्साह उमंग से भरे रहो, जीवन में उत्साह और उमंग से भरे रहो। अपने आप को कामयाब करने के लिए उत्साह और उमंग से भरे रहो। जीवन में कोई भी परिश्रम कभी आदमी का बेकार नहीं जाता है, अगर आदमी अपनी सोच बनाता है। देखो, एकलव्य ने जीत की तो गुरु की मूर्ति के माध्यम से धनुर्धारी बन गया। शाहजहां ने जिद की तो ताजमहल खड़ा हो गया।
गांधी जी ने जिद की तो देश आजाद हो गया। आप जिद करो, आपके भाग्य बदल जाएंगे, शर्तियां बदल जाएंगे। जिद करो अपनी जिंदगी में कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे प्रगति करनी है। मैं जहां हूं मेरे भाई, गुनगुना पानी कभी भाफ नहीं बनता है। आप जहां खड़े हैं गुनगुनी अपनी ताकत का उपयोग कर रहे हैं, और याद रखिएगा गुनगुना पानी कभी भाफ नहीं बनता है। पानी को भाफ बनाने के लिए कुछ ना कुछ आदमी को करना पड़ता है। आओ हम अपनी अपनी कमजोरियों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, अपने भीतर जज्बा जगाने की कोशिश करते हैं, अपने भीतर एक आत्मविश्वास जगाने की कोशिश करते हैं कि मैं अपने आप को कैसे आगे बढ़ा सकता हूं, मैं अपने आप की जिंदगी में प्रगति के द्वार कैसे खोल सकता हूं, मैं जीवन में अपने आप को कैसे प्रगतिशील बना सकता हूं। पहला काम, हमारी कुछ कमजोरियां हैं, आओ उसे दूर करें। पहली कमजोरी कल हमने सुनी थी, किसी भी आदमी को बोलो भाई साहब धंधा कर लो, लोग आते हैं बाबजी सिलाई की मशीन दिला दो, बाबजी ये करा दो, बाबजी 10,000 रुपये दिला दो, बाबजी खाने पीने की व्यवस्था करा दो। लोग आके कहते हैं हम करवाते हैं, भावना से कराते हैं, पर हमें लगता है क्यों ना ये आदमी पाँव पर खड़ा हो जाए। और जब उसे कहते हैं लो हम 10,000 की तुम्हें मदद दिलाते हैं, तुम एक ठेला गाड़ी लगा लो, सामान बेचना शुरू करो, तुम पाँव पर खड़े हो जाओ, कहते हैं साहब लोग क्या कहेंगे, जिंदगी का पहला रोग क्या कहेंगे लोग। आदमी की पहली कमजोरी लोग क्या कहेंगे। दूसरी कमजोरी, सब छोटा काम मुझसे नहीं होता, मुझसे नहीं होगा। किसी को बोलो पापड़ का ऐसा मुझसे नहीं होगा, जूस का ठेला मुझसे नहीं होगा, आप तो कोई बड़ा काम बता दो। मेरे भाई छोटा काम कभी छोटा नहीं होता, जब एक दिन वो ऊंचाइयों को पकड़ लेना। धीरू भाई अंबानी ने 500 रुपये की नौकरी छोड़ी थी, पर अपनी जिंदगी में जब संकल्प लिया आगे बढ़ने के लिए तो वो देश के अमीरों के शहंशाह बन गए। संकल्प आदमी जब लेता है छोटा काम कभी छोटा नहीं होता। जिस पावापुरी तीर्थ का आप दर्शन करने के लिए जाते हैं सिरोही के पास में, उसके मालिक केपी सिंघवी, जिसने बचपन में केवल 100 रुपये की नौकरी से जीवन की शुरुआत की, और सूरत में किसी सेठ ने नाराज होकर उनको नौकरी से निकाल दिया था। जीवन में अगर कोई काम भगवान करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई राज छिपा रहता है। नौकरी से निकाल दिया गया वो युवक आया बॉम्बे, और वहां पर जाकर उसने डायमंड और अन्य तरह के धंधे करने शुरू किए, और आज देश में जैन समाज का शाह बना हुआ है। आदमी चाहे और न बन पाए इम्पॉसिबल, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करो। अरे आप कहते हैं छोटा धंधा, इस देश में जो कैसेट किंग बने गुलशन कुमार, जिसने देश में क्रांति ला दी थी मैसेट और सीडी के क्षेत्र में, जो क्रांति लेकर आ गया था जब वो पहली बार पाकिस्तान से इंडिया में आए थे, दिल्ली के चांदनी चौक में लाल किले के सामने जूस का ठेला चलाकर उस व्यक्ति ने जीवन की शुरुआत की। जीवन की शुरुआत जमीन से करेंगे, पर जीवन का समापन आसमान पे करेंगे। इससे नीचे अपना जीवन छोड़कर नहीं जाएंगे। इसलिए ये बात छोड़ दो कि ये काम छोटा होता है। दुनिया में बचना है तो खोटे काम से बचो, छोटे काम से मत बचो। दुनिया में कोई काम छोटा नहीं होता। हमें आज कोई कहे ना झाड़ू लगाना है, प्रेम से लगा देंगे, पोंछा लगाना है, प्रेम से लगा देंगे। किसी मैदान में जाते हैं वहां पर अगर कचरा बचरा पड़ा है, कागज वागज पड़े हैं, हम प्रेम से इकट्ठे कर देते हैं। दुनिया में कोई काम छोटा होता ही नहीं है। छोटी तो आदमी की मनोदशाएं होती है, छोटी आदमी की मानसिकता होती है। काम कभी छोटा नहीं होता, छोटे काम से शुरुआत करो। अरे रद्दी के काम से शुरुआत करने वाले लोग भी इस देश में अरबपति बने हुए हैं। काम कोई छोटा नहीं होता। तो पहली अपनी मानसिकता ठीक करो, ठीक कीजिए। बहनों अपनी मानसिकता को ठीक कीजिए, भाइयों अपनी मानसिकता को ठीक कीजिए। नंबर एक लोग क्या कहेंगे, नंबर दो छोटा काम में मैं हाथ नहीं डालता भाई साहब, मुझसे मुझे शर्म आती है, नंबर तीन मुझसे नहीं होगा, मम्मी मुझसे नहीं होगा, प्लीज मम्मी मुझसे नहीं होता, मुझसे नहीं होगा। बच्चों की तो इतनी बड़ी कमजोरी, और मेरा तो भाग्य ही खराब है यार, क्या बताऊं मैं तो कुछ भी करूं, मेरा तो भाग्य ही खराब। ये कमजोरियां बता रहा हूं जिंदगी के, क्या है मेरा तो भाग्य ही खराब है। मेरे भाई जिंदगी में से मुर्दानगी हटाओ, क्या करो जिंदगी में से मुर्दानगी हटाओ कि मेरे भाग्य खराब है, मर्दानगी लाओ कि भाग्य मेरे साथ है। मर्दानगी जिंदगी में से हटाइए और मर्दानगी को जिंदगी में लाइए कि आज भी ईश्वर मेरे साथ है। या फिर आदमी की एक और कमजोरी, मम्मी मेरा तो अभी मूड नहीं है, मुझसे नहीं होगा, मेरा अभी मूड नहीं है। क्या ये मूड क्या होता है बताओ तो, क्या होता है मूड? बच्चे कहते हैं ना, सब कहते हैं आजकल, मेरा अभी मूड नहीं है, मुझसे नहीं होगा, मेरा अभी मूड नहीं है। कमजोरी है हमारी, मेरा अभी मूड नहीं है, मैं अभी नहीं कर सकता, मेरा अभी मूड नहीं। क्या होता है मूड? अच्छा एक बात बताओ, अभी आप चौराहे से जा रहे हैं और कोई कुत्ता आपको पीछे से काटने के लिए आए तो दौड़ना मत, कहना मेरा अभी मूड नहीं है दौड़ने का। कुत्ता आए पीछे से काटने के लिए तो दौड़ना मत,
अपनी कमजोरी को लागू करना है, मेरा मूड नहीं है भाई, मेरा मूड नहीं है, हटाओ रे मर्दानगी, हटाओ जिंदगी में से, और अपने आप को तेजस्वी बनाते हुए मर्दानगी लाओ अपनी जिंदगी में, मर्दानगी लाओ अपनी जिंदगी में। मैं एक ऐसे व्यक्ति की घटना आपको कहना चाह रहा हूं, जो व्यक्ति जिसने अपनी जिंदगी में 22 साल की उम्र में व्यापार शुरू किया पर घाटा लग गया, 23 साल की उम्र में वो राजनीति में गया, विधानमंडल का उसने चुनाव लड़ा पर वहां पर उसकी जमानत जब्त हो गई, 24 साल की उम्र में उसने वापस व्यापार शुरू किया तो उसका दिवाला निकल गया, 26 साल की उम्र में उसकी प्रेमिका की मौत हो गई, उसने दूसरी शादी की तो 28 साल की उम्र में दूसरी पत्नी को भी कैंसर हो गया और वो भी मर गई। जीवन में किस तरह से उसके जीवन में हार आती जा रही है। 29 साल की उम्र में उसने अमेरिका में स्पीकर का चुनाव लड़ा पर वहां पर भी उसको केवल 2 वोट मिले, बस केवल 2 वोट। 34 साल की उम्र में उसने कांग्रेस का चुनाव लड़ा अमेरिका में पर वहां भी उसकी जमानत जब्त हो गई। 46 साल की उम्र में उस व्यक्ति ने अमेरिका में सीनेट का चुनाव लड़ा पर केवल 1 वोट मिला, इसके अलावा पूरे देश ने उसको किसी ने वोट नहीं दिया। जब वो व्यक्ति 47 साल का हो गया तो उसने उपराष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ा अमेरिका में, रोज हार रहा था, लोगों ने उसका नाम ही देश में रख दिया, हारने वाला इंसान, इसकी हार तय है, फालतू समय बर्बाद करता है, लोग उसके मजाक उड़ाने लग गए थे, हर जगह हारा, पार्षद में, विधायक में, सांसद में, कांग्रेस सीनेट में, विधानमंडल में, हर जगह हारता चला गया और उसने 47 साल की उम्र में अमेरिका की उपराष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ा, फिर उसकी जमानत जब्त हो गई। लोगों ने देश में अखबारों में पत्रकारों ने छापना शुरू कर दिया था कि इस व्यक्ति को चुनाव के अयोग्य घोषित कर दिया जाए क्योंकि केवल समय बर्बाद करता है, केवल धन बर्बाद करता है और कुछ नहीं मिलने वाला है। उस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में 39 साल की उम्र में फिर कांग्रेस सीनेट का चुनाव लड़ा, फिर वो हार गया। पर वही व्यक्ति जो हर रोज अपनी आंखों के सामने हार देखता था पर सपना हमेशा जीत का देखा करता था, क्या कहा मैंने, वो व्यक्ति जो रोज सपना हमेशा किसका, जीत का देखता और परिणाम में हमेशा हार देखता, आंखों के सामने हमेशा हार को देखता, सपना हमेशा जीत का देखता, पार्षद में हारा, विधायक में हारा, पत्नी मर गई, दूसरी पत्नी के कैंसर हो गया, व्यापार में दिवाला निकल गया, उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में जमानत जब्त हो गई, कांग्रेस के सीनेट में उसको चुनाव के अयोग्य घोषित कर दिया गया। पर वही व्यक्ति अपनी जिंदगी के 51 साल की उम्र में अमेरिका का सबसे गरिमापूर्ण राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन बन गया। सामने थी हार पर सपना था जीत का, मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, अरे आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी समीकरण बदलेंगे, मैं जीतूंगा, 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 जीतूंगा। और जो व्यक्ति ये जीत की सपने अपने भीतर में लिया करता है, मेरे भाई वे सपने मत देखो जिनको देखने के बाद तुम्हारी नींद खुल जाए, वे रात वाले सपने देखना बंद करो, अगर देख सकते हो तो वे दिन के सपने देखो जो खुली आंख से देखकर उन सपनों को पूरा करने के लिए कटिबद्ध हो जाएं, लग जाएं, लग जाएं, लग जाएं, लग जाएं, लगे रहो मेरे भाई, लगे रहो मुन्ना भाई, लगन से लगे रहो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों तुम मंजिल तक पहुंचोगे, पहुंचोगे, पहुंचोगे। अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, अपनी बात को आगे बढ़ाऊं इससे पहले घटना का आनंद आपको दे रहा हूं। अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, जीवन में क्या होता है आत्मविश्वास, मैंने कहा ना अपने आप को कम मत समझो और कमजोर मत समझो, क्या कहा मैंने, अपने आप को कम मत समझो और कमजोर मत समझो। अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन अपनी पत्नी के साथ, हिलेरी के साथ किसी कार्यक्रम के लिए जा रहे थे, चूंकि अमेरिका के प्रेसिडेंट तो तय है कि उनके साथ बड़ी माकूल व्यवस्थाएं, सुरक्षा की जबरदस्त व्यवस्थाएं, हेलीकॉप्टरों से ऊपर सुरक्षा व्यवस्था चल रही थी, आगे 50 गाड़ियां पीछे 50 गाड़ियां चल रही थी, बीच में गाड़ी चल रही थी, अमेरिका के राष्ट्रपति के पास में बैठी हुई पत्नी ने अपने पति बिल क्लिंटन से कहा कि सर मेरी ऐसी इच्छा हो रही है कि अपन जिस रास्ते जा रहे हैं इसी रास्ते पर मेरे एक बचपन के बहुत करीबी दोस्त है, उसका यहां पर पेट्रोल पंप है,
अगर हो सके तो दो मिनट अपन वहां ठहरते हैं, मिलके चले जाएं, बेचारा खुश हो जाएगा, मेरा बचपन का बहुत करीबी दोस्त रहा है। हिलेरी ने जब कहा तो बिल क्लिंटन ने कहा ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। आदेश दे दिया गया, वहां तक दो मिनट में सूचना पहुंच गई कि अमेरिका के राष्ट्रपति तुम्हारे पेट्रोल पंप पे आ रहे हैं। वो तो पागल हो गए, अमेरिका का प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन अपनी पत्नी के साथ मेरे पेट्रोल पंप पर मिलने के लिए। इतना खुश हुआ, उसकी आंखों से झरझर आंसू आ गए। वो रोड पर आया और तबीयत से उसने पलकें बिछाकर अमेरिका के राष्ट्रपति और अपनी बचपन की उस फ्रेंड का, हिलेरी क्लिंटन का स्वागत किया। वहां पर उतरे, दो मिनट तक आओ भगत हुई, वापस रवानगी का समय आया। हिलेरी ने बहुत तबीयत से अपने बचपन के दोस्त से हाथ मिलाया, प्रेम से गले मिली, उसका स्वागत सम्मान किया। रवाना होने लगे तो बिल क्लिंटन को मजाक सूझी, और उसने मजाक ही मजाक में अपनी पत्नी हिलेरी से कहा कि एक बात बताओ, अगर तुम्हारी शादी मुझसे होने की बजाय इस पेट्रोल पंप के मालिक से होती तो पता है आज तो क्या होती? केवल एक पेट्रोल पंप के मालिक की पत्नी होती, बस। क्या कहा? अगर तुम्हारी शादी मुझसे होने की बजाय इस पेट्रोल पंप के मालिक से हो जाती ना, जो तुम्हारा बचपन का दोस्त रहा है, इसके साथ अगर तुम्हारी शादी हो जाती तो तू केवल एक पेट्रोल पंप के मालिक की पत्नी होती। हिलेरी क्लिंटन ने कहा, सर आप गलत कह रहे हैं, अगर मेरी शादी आपसे होने की बजाय इस पेट्रोल पंप के मालिक से होती तो आज देश के राष्ट्रपति तुम नहीं बनते, ये बन गया। अपने आप को कभी कम और कमजोर मत समझो, अपने पतियों को इस बात का एहसास कराते रहो कि भले ही मेहनत तुम्हारी लगती हो कमाने में, पर भाग्य हमारे भी लगते हैं। मेहनत भले ही तुम्हारी लगती हो कमाने में, पर भाग्य हमारा भी साथ देता है, और हम भी तुम मेहनत करते हो हमारा भाग्य लगता है, और कंधे से कंधे मिलाकर अपन आगे बढ़ते हैं। कोई भी व्यक्ति, चलो अब कुछ चाबियां देता हूं अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपने आप को प्रगतिशील बनाने के लिए, अपने आप को और ज्यादा चार कदम आगे बढ़ाने के लिए। पहला काम करो, अगर कोई भी आदमी, चलो पहले तो अपन अपने घर में चलते हैं। कुछ बातें, सफलता के रहस्य आपके घर में भी छिपे हुए हैं, कुछ सफलता के रहस्य आपके घर में भी छिपे हुए हैं। और सफलता का पहला रहस्य है, जाओ अपने घर पर, देखो अपने घर की छत को। क्या देखो? अपने घर की छत को। घर की छत हमें जीवन की ये प्रेरणा दे रही है कि जैसे घर में सबसे ऊपर क्या है, घर की छत है, तो घर की छत हमें जीवन की ये प्रेरणा दे रही है कि जैसे घर में छत सबसे ऊपर है, वैसे तुम अपने जीवन में उद्देश्यों को ऊंचा रखो। क्या करो? जैसे घर में छत सबसे ऊपर है, ऐसे अपने उद्देश्य ऊंचे रखो। मुझे जीवन में क्या प्राप्त करना है? कलाम साहब कहा करते थे, तुम सपने कितने पूरे कर सको ये कोई खास बात नहीं है, पर सपने जब भी देखो तो ऊंचे सपने देखो, महान सपने देखो, आज नहीं तो कल तुम पूरे करने में सफल हो जाओगे। सपने महान देखो। तो पहला मैंने अनुरोध किया, आओ अपने घर की छत पर। छत हमें क्या कह रही है? अपने उद्देश्य कैसे रखो, कैसे रखो, जोर से बोलो सब। चलो अपने अपने घर में, और ये घर की छत हमें पहली बात बता रही, अपने उद्देश्य हमेशा ऊंचे रखो। घर में छत पर क्या लटक रहा है? क्या चल रहा है? पंखा। पंखा हमें कहता है जहां भी रहो ना, दिमाग को ठंडा रखो, छोटी मोटी बातों में ताव मत खाओ। मैंने कहा था ना, सोने के जेवर से भी महंगे पड़ते हैं आदमी के गुस्से के तेवर। और ये जब ऐसा परिणाम देते हैं, कोई आदमी गुस्से में अपना जॉब छोड़ देता है, कोई आदमी अपने गुस्से में अपना धंधा चौपट कर देता है, कोई आदमी गुस्से में अपना रिश्ता तोड़ देता है, कोई आदमी गुस्से में ही अपने धंधे को बर्बाद कर देता है। छत की तरह अपने उद्देश्य को ऊंचा रखो, और पंखा जब शीतल हवा दे रहा है तो उसकी तरह ठंडे रहो। घर की दीवार पर क्या चल रही है? मिट्टी की मूर्ति मत बनो, कमर सीधी कीजिए। बिल्कुल, क्या चल रही है? और वो टिक 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 चलती हुई घड़ी हमें जीवन की तीसरी प्रेरणा देती है। जैसे मैं हमेशा चलती रहती हूं, ऐसे तुम भी अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो चलते रहो। जो चले
सो चरे। और जब बाथरूम से नहाकर आते हैं अपना चेहरा देखने के लिए तो सामने क्या लगा रहता है? आईना। और आईना हमें जीवन की प्रेरणा देता है। खुद को देखते रहो, अपना मूल्यांकन खुद करते रहो। क्या प्रेरणा देता है? खुद को देखते रहो और अपने खुद का मूल्यांकन खुद करते रहो कि तुम्हारी स्थिति क्या है, आज की हालत में तुम्हारी हालत क्या है, कहीं तुम ज्यादा ऊंची ऊंची बातें तो नहीं ठोक रहे हो। यथार्थ अपना जीवन का देखते रहो आईने के सामने। और घर में बाहर झांकने के लिए क्या होती है? क्या होती है? खिड़की। और खिड़की हमें कहती है दुनिया को देखते रहो कि लोग कैसे आगे बढ़ रहे हैं, तुम भी वैसे ही आगे बढ़ने के लिए संकल्प उठाओ। ये मत देखो कि सामने वाला व्यक्ति कैसे ऊंचा उठा, ये देखो कि उसने कौन से तरीके अपनाए, उसने कौन से तरीके अपनाए। और वे अच्छे बेहतरीन तरीके, उन रस्तों को जीवन में कभी अख्तियार मत करना जो गलत रास्ते से आदमी को अमीरी दिलाते हैं। गलत रास्ते पर चलकर तुम एक दिन अपने पत्नी के हाथों में हीरे की चूड़ी तो पहना दोगे, पर कभी तुम्हारे हाथ में लोहे की हथकड़ी आ गई तो बचाने वाला कौन हो? इसलिए कभी भी गलत रास्ते पर मत चलना, शॉर्टकट मत अपनाना। इस रास्ते अमीरी जल्दी आ जाती है, भले ही बड़ा और लंबा रास्ता हो, पर उस रास्ते चलना जिस रास्ते पर सही रास्ते पे आदमी चल रहा हो। ये कहने का कोई मतलब नहीं है कि वो आदमी अमीर कैसे बना, महावीर सिंह जी चौधरी, कोई आदमी अमीर कैसे बना जब तक ये न जान लेगा कोई आदमी महावीर जी चौधरी अमीर कैसे बने। वो अमीर बने ये खास बात नहीं है, हमारे लिए खास बात यह है कि अमीर कैसे बने, उन्होंने कौन से तरीके अपनाए और उसमें जो नैतिक तरीके हैं उनको अपने जीवन में जोड़ो और अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। घर में एक लटकता रहता है तारीख बताने के लिए, क्या होता है? कैलेंडर। जब घर में घुसे हैं तो हर चीज से कुछ ना कुछ सीखे, और कैलेंडर हमें यह प्रेरणा देता है हमेशा अप टू डेट रहो। और से जीवन का जो पहला मंत्र दे रहा हूं वो है अपना लक्ष्य बनाओ। क्या करो? जीवन का साफ सुथरा लक्ष्य बनाओ। मैं क्या बनना चाहता हूं, मुझे क्या होना है। जब तक साफ सुथरा केंद्र बिंदु हम सेंटर पॉइंट अपने जीवन के लिए निर्धारित नहीं करेंगे तब तक हम उस दिशा की तरफ, अब बताओ हम थोड़ा इस रास्ते गए, थोड़ा इस रास्ते गए, थोड़ा उस रास्ते गए, थोड़ा उस रास्ते गए। जैसे आप इस चौराहे पर गए और किसी ने आपको पूछा भाई साहब ये रास्ता किधर जाता है, आप कहेंगे भैया ये रास्ता तो आजाद चौक की तरफ जाता है। फिर वो पूछेगा भैया ये रास्ता किधर जाता है, आप कहेंगे बस स्टैंड की तरफ जाता है। फिर पूछेगा ये रास्ता किधर जाता है, आप कहेंगे चारभुजा मंदिर की तरफ जाता है। वो कहेगा ये रास्ता, आप पूछेंगे ठहर पहले ये बता कि तुझे कहाँ जाना है यार, तो एक एक रास्ते का पूछा जा रहा है तुझे कहाँ जाना है। वो कहेगा साहब ये तो मुझे नहीं पता कहाँ जाना है, तो फिर कहीं भी चला जाना, क्या फर्क पड़ता है। जब तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हें कहां जाना है तो किसी भी ट्रेन में चढ़ जा, किसी भी बस में चढ़ जा, किसी भी सड़क पर चला जा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब तक हम ये तयशुदा नहीं कर लेते हैं मुझे क्या बनना है, कौन से रास्ते चलना है, कहां पहुंचना है, किस मंजिल तक पहुंचना है, मेरा सपना क्या है, अपने को बिल्कुल साफ सुथरा बनाओ। नंबर दो, पहले मैंने कहा लक्ष्य बनाओ, उसके बाद योजना बनाओ। क्या बनाओ? योजना बनाओ। मैं कैसे बन सकता हूं? जरा एक बात बताओ, भगवान ने आपको दो हाथ क्यों दिए? रोटियां एक हाथ से खा सकते थे, है ना? काम एक हाथ से कर सकते थे। मैं बताऊं सीधी सादी बात है, भगवान ने हमें दो हाथ इसलिए दिए ताकि हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए और हम यही कर रहे हैं, भाई हाथ पे हाथ रख के लटक के बैठ जाओ। ठीक है यार, जी रहे हैं। क्यों जी रहे हैं? क्योंकि मरे नहीं है, बस जी रहे हैं। हमें दो हाथ भगवान ने इसलिए नहीं दिए कि हाथ में हाथ रख के बैठ जाओ। अरे मेरे भाई, बारह खड़ी की शुरुआत करो। बारह खड़ी का पहला अक्षर है क। क्या है? बारह खड़ी का पहला अक्षर है क और बारह खड़ी का दूसरा अक्षर है ख। क हमें कहता है पहले कर्म योग करो और ख हमें कहता है उसके बाद खाओ। कर्म योग से जी मत चुराओ। क हमें कहता है पहले करो, ख हमें कहता है उसके बाद खाओ। जिंदगी में कर्म योग से जी कभी मत चुराओ। मैंने कहा पहले जीवन का लक्ष्य बनाओ, मुझे क्या बनना है, किधर जाना है, कौन सी मंजिल पानी है, किस तरीके से बन सकता हूं। दूसरे उसकी कार्य योजना बनाओ कि कौन सा तरीका है जिससे मैं आगे बढ़ जाऊं, कौन सा तरीका है जिससे मैं प्रगति के द्वार खोल लूं। नंबर तीन, मैंने पहले का लक्ष्य बनाओ, दूसरा मैंने कहा कार्य योजना बनाओ, तीसरा मैं कहना चाहूंगा अब उसके लिए लग जाओ।
निरंतर प्रयास, निरंतर प्रयास, निरंतर प्रयास, लग जाओ, लग जाओ, लग जाओ। याद रखना, एक ही डुबकी में किसी को मोती नहीं मिला करते, और एक ही लड़ाई में कोई आदमी सेनापति नहीं बन जाया करता। लगे रहना पड़ता है, लगे रहना पड़ता है, लगे रहना पड़ता है। मैं आपको बताऊं, जब मैं बच्चा था ना, मुझे सामाजिक संकोच बहुत होता था। आपको जानकर आश्चर्य होगा, संत बनने के बाद 10-15 साल तक तो मैंने जीवन में प्रवचन ही नहीं दिया था। मुझे प्रवचन देने में संकोच आता था। केवल चंद्रप्रभु जी महाराज जी बोलते थे, मैं तो पास में बैठा रहता था, केवल यही प्रवचन देते थे, मुझे प्रवचन व्रवचन देना आता नहीं था। धीरे धीरे चंद्रप्रभु जी ने मेरे भीतर आत्म प्रेरणा पैदा की कि अपन कब तक यूं ही बैठे रहेंगे, कब तक यूं ही बैठे रहेंगे। मैंने कहा मुझे संकोच आता है, मुझसे नहीं बोला जाता, आप बोलते रहो, बस आप बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूं। एक ही तो बात है भाई, वो नहीं होता मेरे भाई जो एक भाई बढ़ जाए और दूसरे को पीछे चलाता रहे। भाई सच्चा वो होता है जो खुद बढ़ जाए तो अपने भाई को भी आगे बढ़ाता रहे। और तब वो हौसला अफजाई जब आदमी के भीतर आत्मविश्वास जगता है कि तू कर सकता है, पॉसिबल, तेरे भीतर भी संभावना है, तू आगे बढ़ सकता है, तू चैलेंज ले अपने जीवन के लिए। और जब इंसान अपने आप के लिए चैलेंज लेता है, तब आज नहीं तो कल। मैंने कहा ना, निरंतर प्रयास, निरंतर प्रयास, निरंतर प्रयास। भगवान को हम इंग्लिश में कहते हैं गॉड। गॉड की स्पेलिंग क्या है? जी ओ डी। इस गॉड में ही हमारे किस्मत के ताले छिपे हुए हैं, कैसे खोले जाए। ये जो गॉड शब्द है ना, इसमें हमारे जीवन का भविष्य छिपा है। गॉड का जी हमें कहता है गो। क्या क्या अक्षर है? जी ओ डी। जी हमें कहता है गो, ओ हमें कहता है ऑन, डी हमें कहता है ड्यूटी। गो ऑन ड्यूटी, यही है तुम्हारी सफलता का राज। भगवान के नाम में प्रेरणा छिपी हुई है, गो ऑन ड्यूटी, यही है हमारी सफलता का राज। तो मैंने कहा तीसरा काम करो, निरंतर 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 प्रयास करते रहो, प्रयास करते रहो, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। अपने आप को ढीला डाला मत समझो। पता है अमेरिका में लाइट जाती है ना, अमेरिका में अगर लाइट जाती है तो लोग सीधे पावर हाउस फोन करते हैं, क्या बात है लाइट नहीं है। जापान में लाइट जाती है तो लोग घर का फ्यूज चेक करते हैं, क्योंकि हमारे देश में वो कहते हैं कभी लाइट जाती नहीं। अमेरिका में लाइट जाती है तो लोग पावर हाउस फोन करते हैं कि लाइट नहीं है। जापान में लाइट जाती है तो लोग फ्यूज चेक करते हैं, कहते हैं साहब जापान में कभी लाइट नहीं जाती, कोई फ्यूज में गड़बड़ी हो गई। और भारत में लाइट जाती है तो लोग पड़ोसी को पूछने जाते हैं, थारे घरे लाइट है कि है? जना ठीक है, कोई दिक्कत को नहीं, थारी को नहीं, मारी को नहीं, कोई दिक्कत को नहीं। क्यों जी ऐसे ही होता ना, थारे को सीधा यही कहते हैं। हमें याद नहीं आता कि हम पावर हाउस फोन करें कि फ्यूज चेक करें, मम्मी ये कहते हैं बेटा जा, अपने पड़ोसी ने पूछना, बिस्सा साहब ने पूछना, है सांवरे जी ने पूछना, लाइट है कहीं। वो जाता है, मम्मी जी माता जी लाइट है नहीं है। वो आके कहता है जना ठीक है, अपरवा जना ठीक है, कोई दिक्कत को नहीं, इनारे की नहीं है। ये जो क्यों, मैंने सही कहा ना, है ना, बिल्कुल सही है ना। तो ये जो हमारी वैचारिक कमजोरियां हैं, इसे हमें ठीक करना पड़ेगा। मैंने कहा पहला काम लक्ष्य बनाओ, दूसरा काम क्या करो, दूसरा काम क्या करो, योजना बनाओ कैसे कर सकते हैं। तीसरा काम लगे रहो, लगे रहो, प्रयास करते रहो। असफल हो सकते हो, असफल हो सकते हो, असफल हो सकते हो, पर पता नहीं कौन सी गुच्छे की चाबी लास्ट में भी लग जाए। आपको लगा ये चाबी भी न लगी, 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 घबराओ मत। अरे कभी ना कभी अंतिम चाबी वो गुच्छे की ऐसी आएगी जो लग जाएगी और आपकी बंद किस्मत के तालों को खोलने में सफल हो जाएगी। मुफ्त पे विश्वास मत रखो, परिश्रम पे विश्वास रखो। मुफ्त में किसी के भाग्य के दरवाजे नहीं खुलते मेरे भाई। इस दुनिया में केवल 2-3% लोग ऐसे हैं, कितने, 2-3% लोग ऐसे हैं जो मुफ्त के मालपुओं पर अमीर हो गए, जिनके बाप दादों की संपत्ति काम आ गई, जिनके ये हो गया वो हो गया, मुफ्त के माल पे जी गए, भाग्य पे जी गए। बाकी सब लोगों को परिश्रम करना पड़ा, बाकी सब लोगों को मेहनत करनी पड़ी, बाकी सब लोगों को आगे बढ़ना पड़ा, बाकी सब लोगों को मेहनत करनी पड़ी आगे बढ़ने के लिए। मुफ्त के मालपुओं से जीवन का निर्माण नहीं होता। मुफ्त के मालपुए खाने के बजाय तो मेहनत की रोटी खाना कहीं ज़्यादा अच्छा है। मेरे भाई हमेशा याद रखना, दया का दूध पीने की बजाय, सब बोल लो तो, दया का दूध पीने की बजाय परिश्रम का पानी पीना कहीं ज्यादा अच्छा होता है। परिश्रम का पानी पीना कहीं
ज्यादा अच्छा होता है। मैंने कुछ बातें आप लोगों से अनुरोध की, मुफ्त की जिंदगी से उठकर ऊंचाई की आदर्श जिंदगी बनाने के लिए निवेदन किया। एक व्यक्ति भगवान के मंदिर में बैठा, जाते जाते ले जाओ जीवन के लिए मंत्र ले जाओ, जाते जाते एक व्यक्ति भगवान के मंदिर में बैठा था, भगवान की उपासना कर रहा था, भगवान प्रकट हुए, कहा बोल क्या वरदान चाहिए भगवान को। उसने कहा भगवान मुझे ये वरदान दो, मेरे हाथ में हमेशा रुपयों की थैली रहे। भगवान ने कहा मेहनत कर रुपयों की थैली आ जाएगी। कहा मेहनत मेहनत मुझसे नहीं होती, आप तो बस वरदान दो कि मेरे हाथ में रुपयों की थैली रहे और पांव के नीचे हमेशा गाड़ी रहे। क्या कहा? भगवान मुझे वरदान दो, मेरे हाथ में हमेशा रुपयों की थैली रहे और पांव के नीचे हमेशा गाड़ी रहे। अगले दिन उसने देखा वो किसी बस का कंडक्टर बन गया था, हाथ में रुपयों की थैली भी थी और पांव के नीचे गाड़ी भी थी। भगवान ने कहा मुफ्त की जिंदगी का कभी आदमी के परिणाम नहीं आता। एक बार एक भगवान के मंदिर में तीन लोग बैठे थे, एक मारवाड़ी बैठा था, एक मेवाड़ी बैठा था। कौन कौन? मारवाड़ी यानी ये बीकानेर जोधपुर वाले, और मेवाड़ी ये उदयपुर भीलवाड़ा वाले। क्यों जी? मेवाड़ी कहलाते हैं ना, बराबर कह रहा हूं? ठीक है। तो तीन लोग बैठे थे, तीसरे का नाम अब बताऊंगा, मैं नहीं था। तो एक मारवाड़ी बैठा था, एक मेवाड़ी बैठा था, तीनों भगवान के यहां बैठे थे, और तीसरे का नाम अब बताऊंगा। तीनों भगवान के यहां बैठे थे, एक मारवाड़ी, एक मेवाड़ी और एक था चोर। तीनों भगवान के यहां बैठे भजन कर रहे थे, भगवान जी प्रकट हुए, देव प्रकट हुआ, कहा सबसे पहले मौका दिया मारवाड़ी को, बोल तू क्या चाहता है? उसने कहा महाराज मुझसे मेहनत मेहनत नहीं होती, आप तो बस मुझे 5 करोड़ रुपये दे दो बस। कितने दे दो? कितने? 5 करोड़, बराबर है। फिर भगवान ने मेवाड़ी को कहा बोल तू क्या चाहता? उसने कहा महाराज मुझसे भी मेहनत मेहनत नहीं होती, मैं भी मारवाड़ी का सगा भाई हूं, मुझसे भी मेहनत मेहनत नहीं होती, आप मुझे 10 करोड़ दे दो। भगवान ने सोचा यार कैसे आदमी है, मारवाड़ी कहता है 5 करोड़ दे दो, मेवाड़ी कहता है 10 करोड़ दे दो। तो भगवान ने सोचा इस चोर का भी पहले पता किया जाए ये क्या चाहता है। तो भगवान ने चोर से पूछा बोल भाई तुझे क्या चाहिए? उसने कहा भगवान जी मुझे कुछ मत दो, इन दोनों का एड्रेस बता दो बस।